ओके, इस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर टू है दैट हैज़ बीन गिवन हेयर, अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स ईच कंप्लीटेड अ टास्क, द टेबल शोज द टाइम 10 मिनट्स ईच स्टूडेंट टुक टू कंप्लीट द टास्क। ओके, सो द टेबल हैज़ बीन गिवन हेयर, 10 स्टूडेंट्स टुक 20 टू 40 मिनट्स, 20 स्टूडेंट्स ने 40 से लेकर 60 तक के टाइम मिनट्स ले लिए, एंड 34 स्टूडेंट्स टुक 60 टू 80 मिनट्स, 1280 to 100 minutes and 400 to 120 minutes. On the grid, draw a cumulative frequency diagram to represent this information. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो है इसकी मिड वैल्यू हमें चाहिए, और इस यहाँ पे इस टेबल की जगह ये जो लाइन दी हुई है इसकी जगह हमें cumulative frequency टेबल चाहिए। तो एक नया टेबल बनेगा जिसमें यहाँ पे 20 प्लस 40 इज 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 30, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, 40 प्लस 60 इज 100, हाफ ऑफ 100 इज 50, ओके, एंड 60 प्लस 80 इज 140, हाफ ऑफ 140 इज 70, वी नीड टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू, 80 प्लस 100 इज 180, हाफ ऑफ 180 इज 90, इन 100 प्लस 120 इज 220, हाफ ऑफ 220 इज 110। नाउ वी नीड टू ड्रा अनदर टेबल फॉर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट यहाँ से हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक नया टेबल बन जाएगा, 10 प्लस 20 यू विल गेट 30, 30 प्लस 34 इज 64 प्लस 12 इज 76 प्लस 4 इज 80। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे इस नए टेबल को, 30, 10, 50, 30, 70, 64, 19, 76, 110 and 80। ओके, 110 थोड़ा सा दोबारा उसको देख, ओके, सो 110, ओके। अब ये दो जो पॉइंट्स है 30 एंड 10, यानी टाइम, ये हमारे पास टाइम एक्सेस है और ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सेस है। तो ये टाइम हमारे पास 30 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, तो ये 30 और 10 जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो ये एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 50 एंड 30 हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से 70 एंड 64 इज 60, 62 एंड 64 इज दिस पॉइंट। ओके ओके, इस तरह से 90 एंड 76 इट्स 90 एंड 76, ओके, 70, 72, 74 एंड 76 इज दिस पॉइंट। ओके, 80, 110 इज दिस वन एंड 80 दिस इज द पॉइंट। ओके, अब इस ग्राफ को हम खींचेंगे, और ज़ाहिर है वो कुछ जो है स्मूथ आना चाहिए, अगर स्मूथ नहीं आ रहा तो ज़ाहिर है वो और आएगा भी नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे जितना स्मूथ हो सकता है तो उसको हम स्मूथ ड्रा करेंगे। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अगर अभी स्मूथ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन समहाउ नॉट बैड, कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं है, और इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट यू द मीडियन, मीडियन क्या है, देखें आपके पास ये टोटल 80 है, 80 का 40 जाके कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये 40 जाके मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो ये 50 और 60 के दरमियान ये 40 वैल्यू आ जाएगी तकरीबन, कुछ थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है हो सकता है, लेकिन ये 40 वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट है इसका, आप इधर मिला लीजिए ये 40 और ये मीडियन बन जाएगा, यानी मिड वैल्यू, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, मिड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 मिनट्स। ठीक है, इस तरह से जो सेकंड पार्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज, अब फर्स्ट क्वार्टाइल 80 है तो फर्स्ट क्वार्टाइल 20 है, थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास जो है वो 60 है। ठीक है, तो ये हम इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, मेरे पास ये जो है Q3 है और ये Q1 है, ये Q1, इन्हें 20 का वन क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, वन क्वाड्रेंट है, तो 20 का वन क्वाड्रेंट, फिर 40 के टू क्वाड्रेंट्स, थ्री क्वाड्रेंट्स हमारे पास 60 के और इसके फोर क्वाड्रेंट, तो जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है दिस इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है। ठीक है, इंटर
क्वार्टाइल रेंज, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ज़रा देख लेते हैं कि 20 पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 40 है। अगर एग्जैक्टली 20 पे देखें तो हमारे पास 40 वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ रही है, एक ही वाली। और जो 60 पे वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट हमारे पास तो खैर नहीं आएगी, लेकिन हम इसको एक स्मूथ तरीके से इसको देख लेते हैं। हमारे पास कुछ आ जाएगी 64, 66 कुछ आप ले सकते हैं हम इसको इस तरह से। देखिए एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर हमारे पास सही हो, उसकी वजह ये कि यहाँ पे जो मैंने ये जो कर्व ड्रा किया हुआ है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे गलती हो सकती है, लेकिन बहरहाल आप उसको देख लीजिएगा। तो इसके मुताबिक, इस चीज़ के मुताबिक जो मैंने ड्रा किया हुआ है इसके मुताबिक मेरे पास आ रहा है ये सेकेंड वैल्यू, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, ये 66 माइनस 40 मेरे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज मेरे पास आ जाएगा 66 माइनस 40। एंड अगर आप इसको कर लेंगे तो ये 26 लगभग वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकेंड इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, जो पार्ट बी है, अ ग्रुप ऑफ 160 एडल्ट्स ईच कंप्लीटेड द सेम टास्क, द टेबल शोज द नंबर ऑफ एरर्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। A group of 160 adults each completed the same task. The table shows the number of errors made by each of these adults. 24 students ऐसे हैं जिसने कोई मिस्टेक नहीं करी, कोई एरर नहीं किया। 30 students ने 1 एरर दिया है, 50 ने 2, 32 ने 3, 16 students ने 4 एरर्स दिए हैं और 8 students ने 5 एरर्स दिए। कैलकुलेट द मीन। अब मीन हम कैसे निकाल लेते हैं, तो मीन का जो फार्मूला है हमारे पास ना, वो फार्मूला ये हो जाएगा, ये मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय समेशन एफ। जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास टोटल कितनी है, वो है हमारे पास 160 है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 160, जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, 31 30, ओके, प्लस 52 100 प्लस 30, ओके, 32 3 96 प्लस 16 4 64 प्लस 8 5 40 डिवाइडेड बाय 160 इन वी गॉट 2.06। सो द मीडियन, सॉरी द मीन इज इक्वल टू 2.06. This answer has been given here. 2.06. This is the answer. 2.06. Okay. Now, one of the adult is selected at random. Find the probability that this adult made more than 3 errors. अब देखें, जिसने 3 से ज्यादा error किए हैं वो ये वाला area है। ये 3 errors है। देखिए ये 0 error है, ये 1 error है, 2 error है, तो ये तो count नहीं है। 3 भी काउंट नहीं है, इसलिए कि कह रहे हैं कि मोर देन 3 एरर। सो 3 जिसने 4 किए और जिसने 5 किए, तो वो कितने हैं, जिसने 4 किए वो 16 है, जिसने 5 किए वो 8 है, तो टोटल हो जाएंगे 24 आउट ऑफ 160। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, यानी जो पी एन टू एक्स आ जाएगी, या एक्स ग्रेटर देन 3 एरर आपके पास जो आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन 160। तो आप इसको कर दीजिएगा, 24 डिवाइडेड बाय 160 इन योर गेट 0.15। ये जो वैल्यू हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो हमारे पास आ रही है 0.15 हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका जो पार्ट थर्ड है, टू ऑफ द एडल्ट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे ईच मेड एग्जैक्टली 1 एरर। तो ये देखें, अब दो को सेलेक्ट किया गया जिसने एक एरर किया हुआ है, एक एरर दिया हुआ है। देखें पहला जो सेलेक्ट होगा रैंडमली, ठीक है, दो रैंडमली सेलेक्ट किए गए, लेकिन जो पहला सेलेक्ट होगा
उसकी प्रोबेबिलिटी है 30/160, क्योंकि 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वन मिस्टेक किया हुआ है, तो जो पहला होगा उस 30 में से कोई एक होगा, तो 160 में से 30 प्रोबेबिलिटी है। अब जो दूसरा सेलेक्ट होगा तो उसमें हमारे पास एक कम हो जाएगा टोटल में भी, और जिसने वन मिस्टेक किया वो भी कम हो जाएगा, तो 29/159 हमारे पास। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो पहले आ जाएगा, ओके, यानी पी जो के प्रोबेबिलिटी इसमें एक्स वन एरर जिसके इसने किया हुआ है, ठीक है, यानी एक्स से मुराद वही है कि जो दो स्टूडेंट्स हैं जिसने एग्जैक्टली वन एरर किया हुआ है, वन एरर दिया हुआ है, तो हमारे पास एक आ जाएगा। पहला जो सेलेक्ट होगा वो 30/160 हो जाएगा, और फिर जाहिर है एक ऑलरेडी निकला हुआ है, इनमें से एक निकाला गया, तो जो बाकी बचेंगे जिसने सिंगल एरर दिया हुआ है वो 29 बचेंगे, और टोटल में से भी एक कम हो चुका है, तो 159 आपके पास आ जाएगा। ये 30 × 29 / 160 × 159 and we got 0.034, the whole is 0.034, इसकी डायरेक्ट वो रखा दें, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ओके, 0.034, सो द आंसर इज 0.034, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।